नमस्कार, मैं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका एनवल लाइव। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। हिमाचल के मैदानी व कम ऊंचाई वाले भागों में 3 दिनों तक हीट वेव का जारी किया गया अलर्ट। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चढ़ने का है अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के कुछ स्थानों पर शनिवार व रविवार को हल्की बारिश के साथ अंधड़ चढ़ने का जारी किया येलो अलर्ट। वहीं 10 से 12 जून तक कम ऊंचाई वाले भागों में हीट वेव का जारी किया गया येलो अलर्ट। 15 जून के बाद प्री मानसून की बारिश होने के हैं आसार। कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुई घटना के बाद कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह के सामने आई है प्रक्रिया। विक्रमादित्य सिंह ने दिया बयान कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन इस तरीके का कदम उठाना है सरासर गलत। किसी को थप्पड़ मारना नहीं है सही, खासकर एक महिला पर हाथ उठाना है गलत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया बयान कि शिमला से नौड़ी सड़क का निर्माण कार्य इस वर्ष मानसून के बाद किया जाएगा शुरू। सितंबर 2026 तक इस कार्य के पूरा करने की है उम्मीद। उन्होंने मानसून को मद्देनजर रखते हुए सड़क कार्यों को आगे बढ़ाने के दिए निर्देश। उन्होंने शिमला मटौर मंडी पठानकोट सड़क को 4 लेन में विकसित करने के भी दिए निर्देश। माकपा के समर्थन संयुक्त किसान मंच के सहयोगी बागवानों के सहयोग के बावजूद सेब बाहुल क्षेत्र में कांग्रेस को देखना पड़ा हार का मुंह। शिमला मंडी कुल्लू सिरमौर और चंबा से कांग्रेस प्रत्याशियों को नहीं मिल पाया पर्याप्त समर्थन। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में संयुक्त किसान मंच और इंडिया गठबंधन की मोर्चाबंदी भी साबित हुई है विफल। इंडिया गठबंधन से घटक दलों में शामिल माकपा ने कांग्रेस प्रत्याशियों को खुले समर्थन का किया था ऐलान। हिमाचल सरकार ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखा, यमुना नदी से भेजे जा रहे पानी की दी जानकारी। लिखे पत्र में दी गई जानकारी कि प्रदेश की ओर से हरियाणा को बिना किसी व्यवधान के दे रहे पानी। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने यमुना नदी में जल स्तर की स्थिति का आकलन करने के लिए मांगी है ग्राउंड रिपोर्ट। शिमला में गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की भी बढ़ रही है समस्या। लोगों को पानी के लिए टैंकरों का लेना पड़ रहा है सहारा। इसके साथ ही शिमला में पर्यटकों की भारी आमाद के कारण भी पानी की बढ़ चुकी है खपत। पानी के सोर्स में सूख रहा है पानी, जिससे शहर में होने वाली पानी की सप्लाई में भी की गई है कटौती। पाइपलाइनों में लीकेज को माना जा रहा है मुख्य कारण। चुनाव निपटते हिमाचल प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हो गई है तेज। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इस माह 2123 शिक्षक होंगे भर्ती। जेबीटी के 1100 और टीजीटी के 1023 शिक्षकों की बैचवाइज आधार पर होनी है भर्तियां। चुनाव आचार संहिता के चलते भर्ती प्रक्रिया थी लंबी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर इस बाबत तेजी से काम शुरू करने के दिए निर्देश। देश के सबसे लंबे व अधिक ऊंचाई से गुजरने वाली दिल्ली केलांग लेह रूट पर एचआरटीसी के कुछ दिनों बाद आरंभ होने वाली है बस सेवा। दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल होने के इंतजार में एचआरटीसी केलांग डिपो जैसे बीआरओ की तरफ से मार्ग दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही के लिए खुलने की मिलेगी सूचना, तो एचआरटीसी केलांग डिपो प्रबंध सेवा करेगा आरंभ। हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर और बाढ़ से तबाही के बचाव के लिए 3 जिलों में लगेंगे अर्ली वार्निंग सिस्टम। प्रदेश के किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाने की है योजना। इस संबंध में तीनों जिला के उपायुक्तों को सारी स्थिति का आकलन करने के दिए गए निर्देश, जिससे ऐसे स्थान हो सके चिन्हित जहाँ पर लगाए जाने अर्ली वार्निंग सिस्टम। हिमाचल में जुलाई माह से शुरू होने वाले सेब सीजन के लिए सरकार ने शुरू कर दी तैयारी। पहली बार वजन और दूरी के आधार पर सेब का निर्धारित होगा माल भाड़ा। प्रदेश के 2 लाख बागवान परिवारों को सरकार ने दी बड़ी राहत। यूनिवर्सल कार्टन लागू करने के बाद सरकार ने वजन और दूरी के आधार पर सेब का माल भाड़ा तय करने का लिया फैसला। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवल लाइव।